सर्दी आएँगी झाइया एकदम काली पड़ जाती है आप पत्थर रखिए उसको घिसिए हल्का सा दूध डालिए जैसे मंदिर में जाते हैं चंदन का लेप बनाते हैं एग्जैक्टली exactly. उसका लेप लेके जितना आपको स्पोर्ट है यहाँ पे है यहाँ पर आप उतने स्पोर्ट पे लगाइए और सिर्फ पंद्रह मिनट के बाद आप वॉश कर दीजिए तो मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ बोलती हूँ कि जिनको भी झाइया हैं आप थक गए ना आपने लेजर करवा लिया पीलिंग करवा लिया नीडलिंग करवा लिया पीआरपी करवा लिया मतलब सब कुछ करवा लिया अब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे ठीक करनी है और आपकी उम्र कोई भी हो आपकी शायद प्रेगनेंसी 20 साल पहले हुई थी आपको नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमांशु भट्ट दी हेल्थ शो में आज मैं आया हूँ नजफगढ़ दिल्ली में स्थित वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड पंचकर्मा सेंटर में जहाँ हम डॉक्टर उपासना वोहरा जी से जानेंगे पिगमेंटेशन यानी झाइयों के बारे में कि क्यों ये बीमारी होती है कौन कौन सी होम रेमेडीज हो सकती है और क्या डाइट में ध्यान रखा जाए ताकि पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम आपके घर पर ही ठीक हो जाए और आपके चेहरे पर ग्लो आने लगे मैम आपको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत नमस्कार थैंक यू सो मच तो देखिए हिमांशु बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है क्योंकि आज के टाइम में ना फीमेल्स जो हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी कि महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस है इवन जेंट्स की भी अगर मैं बात करूँ वो किसी को कन्फ्रंट करते हैं अगर उनके चेहरे पे हल्का सा कुछ हो भी जाए ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे क्या हो गया और सबसे पहले वो क्या सर्च करते हैं बहुत अच्छे से डमेट के पास हमें जाना है क्योंकि आपके साथ भी कई बार ये इंसिडेंट्स हुआ होगा कि आपको कुछ होता है लेकिन जो छाइयाँ हैं इसका कहीं पर इलाज नहीं है और अगर हमें इलाज मिलता है तो वो बहुत टेम्परेरी मिलता है तो झाइयों के कारण बहुत अलग हैं। लेकिन जो इस टाइम पे सबसे बड़ा मिथ बन गया कि धूप में जाने से होती हैं। उसका कारण ये नहीं है क्योंकि देखिए हमारे आयुर्वेद में ना इसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है इसका विस्तार में वर्णन किया गया है हमारे आयुर्वेद में छह ऋतुएं बताई गई हैं छे ऋतुओं है। में आपकी कौन सी बीमारी चाहे वो झाइया हैं वो किस तरह से काम करती हैं इवन जितने भी लोग आपकी वीडियो देखेंगे ना जो मैं आज चीजें बताने वाली हूँ ना वो कॉपी पेन लेके बैठ जाए और वो कंपेरिजन कर ले कि हाँ मेरी झाइयों ने इस ऋतुचर्या में यही रूप लिया था और इस ऋतुचर्या में मेरा चेहरा पूरा साफ हो गया था और वो खुद से हुआ था और आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वो भी ऋतुचर्या के अनुसार बताऊंगी जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है डीप होने वाला है बट जी हाँ क्योंकि आयुर्वेदा में झाइयों का जो वर्णन है सबसे पहले गर्भ अवस्था में किया गया है क्योंकि जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है आपके अंदर एक बच्चा बन रहा है क्योंकि मोस्टली इंडिया में जो फीमेल्स हैं, उनमें जो है प्रेगनेंसी में झाइयाँ सबसे कॉमन होती हैं। और जो सबसे बड़ा कारण होता है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी लोह धातु की कमी हमारे शरीर में सात धातुएं बताई गई हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु तो बोलते कि रस जो हमारा आहार है जो हम चीजें खा रहे हैं वही जाके रस से रक्त बनेगा मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र लेकिन रक्त की अल्पता आ गई hmm. और आप इसे कंपेयर कर पाएंगे कि मोस्टली लेडीज प्रेगनेंसी में एनिमिक होती हैं hmm. और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर अमंग वुमेन्स जिनके फेस पे झाइया आना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके जब उन्हें आयरन की टेबलेट्स फॉलिक एसिड ये सब दिया जाता है तो उन्हें लगता है कि हमारा चेहरा बेटर हो गया लेकिन हमारे देश में जो सबसे बड़ा मेथ है गाँव में क्यों नहीं बोलते कि कोई ना बेटा तुझे झाइया हो गई हैं कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगी जैसी मेरी हुई थी तो उनकी डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता तो वहाँ पे डाइट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है क्योंकि ऑन एन आइडल अगर हम एक जनरल हेल्दी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी बात करें या बी के अकॉर्डिंग भी बात करें तो हमें पंद्रह से अठारह अठारह कैलोरी डाइट हमें चाहिए लेकिन प्रेगनेंसी में हमें डबल चाहिए ऑलमोस्ट हम उतनी डाइट ले ही नहीं पाते तो वहां पे जो सारी चीजें संपूर्ण मात्रा में चाहे नहीं हो पाती और सबसे ज्यादा जो उसका एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे आता है वो आता है जो सबसे बड़ा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है बॉडी पे वो आता है आपकी जाया। जाया। जी तो सबसे पहला फैक्टर आपका ये हो गया दूसरा क्लाइमेटिक चेंजेस क्योंकि झाइया हैं क्या एक तरह से आपकी बॉडी में जो मेलेनिन है मेलेनिन वो आपकी बॉडी में क्लस्टर बना रहा है आप बस क्या कर रहे हैं जैसे हम कई बार करते हैं पेंसिल डॉट लगाते हैं तो वो हमें बहुत विजिबल होता है फिर हम क्या करते हैं पेंसिल लेके ऐसे ऐसे बैठ के करते रहते हैं और फिर उसके बीच में कहीं कहीं हमें वाइट स्पेस दिखता है और कहीं पे पूरा ब्लैक दिखना स्टार्ट हो जाता है तो मेलेनिन जो आपका पिगमेंटेशन वो स्टार्ट हुई मेलेनिन ने वहां पे जाके क्लस्टर बनाए उसने कहीं ना कहीं आपके स्किन के लेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया हमारी स्किन की छ लेयर हैं हमें दिखता है सुपरफिशियल है लेकिन यहाँ मैं सारी महिलाओं से बोलना चाहूंगी कि आप लोग ना खुद से इस चीज को रिलेट करना जो मैं कह रही हूँ कि जब आपके झाइया होती है ना कहीं पे आप देखोगे बहुत लाइट स्पॉट है मोस्टली नोज का एरिया ऐसा होता है जो अलग से प्रोमिनेंट होता है वो इतना ज्यादा डार्क होता है वहां पे आप क्या करते हो क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल डीप हो चुका है यानी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पूरी छे के छह लेयर में हो गई है लेकिन जो आपको लाइट दिख रही है वो अंदर से उसकी शेडो दिख रही है उसमें सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि मेलेनिन जो पिगमेंट है उसने पूरा जाके अंदर क्लस्टर बनाए और वो तीन तरह से होते हैं जो फाइटो हॉर्मोन जिसको हम बोलते हैं कि धूप में जाने से वो क्यों बढ़ती हैं जो सबसे बड़ा मिथ बना हुआ है वो ये नहीं कि धूप से बढ़ रही हैं वो जो अंदर केमिकल की रिएक्शन हो रही है वो फोटो सेंसिटिव है इस रीजन की वजह से वो डार्क दिखना स्टार्ट होती है धूप में, में। मैम ये तो आपने इसके रीजन बताए हैं लेकिन क्या होता है ना जो ब्लैक स्पॉट्स है और पिगमेंटेशन है

तो वो बहुत सिंपल है जैसे ये टेबल पड़ा है आपको यहाँ भी इसके परत दिख रही है नीचे भी दिख रही है अब मैं टेबल को यहाँ से साफ करती रहू नीचे की परत तो मुझे दिखेगी लेकिन अगर मैं नीचे से क्लीन करके आऊंगी तो ऊपर से वो डेफिनेटली क्लीन होगा और दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट एंड मेलास्मा और बहुत से लोग आजकल लेजर भी कराते हैं ना पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए तो क्या वो लेजर टेम्परेरी सोल्यूशन है या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। देखो जो लेजर है मैं लेकिन जब नीचे की लेयर निकल के पूरा ऊपर आ जाएगी तो वो दोबारा से आपकी झाइया उभरेंगी और वो डबल फ्रिक्वेंसी से उभरेंगी क्योंकि उससे लेयर की थिनिंग भी हो रही है हर चीज की यार अपनी टेंडेंसी है कि नहीं मुझे ये स्किन ना मेरी इतनी हेल्दी रखनी है बहुत सारे लोगों की स्किन इतनी पतली हो जाती है कि वो नॉर्मली ऐसे भी तेज रब करते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ स्टीरोड पीलिंग या ये जो लोकल ऑइंटमेंट्स हैं या फिर लेजर तो वो थिनिंग की वजह से भी वो इफेक्ट कहीं ना कहीं उभर के आता ही आता है और जो मैंने आपको बताया था कि ऋतुचर्या जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है सर्दियाँ आएंगे झाइया एकदम काली पड़ जाती है जो पेशेंट ठीक भी हो रहा है ना इवन मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ ना तो कुछ कहते हैं मैम डार्क हो रही है क्योंकि हर ऋतु की ना अपनी इंपॉर्टेंस है जो हम बोलते हैं संचय प्रकोप और प्रशमन hmm. आयुर्वेद में क्योंकि कैसे वो चीज़ हो रही है कैसे वो आगे काम करेगी और कब वो एंड होगी क्यों हमें बरसात में पकोड़े वगैरह खाने का मन करता है hmm. हमारे घर वाले क्यों बोलते हैं कि थोड़ा कम खाओ तला क्योंकि हमारी अग्नि किस तरह से काम करती है सेम चीज़ पिगमेंटेशन में है जब शीत हवा चलती है ठंडी हवा चलती है और वो शुष्क होती है बहुत ड्राई होती है जब वहाँ पे मेलेनिन वो आपकी स्किन को ड्राई करेगी और कोई भी चीज ड्राई हो नॉर्मली मैं भी हूँ तो वो ब्लैक आपको दिखेगा ही दिखेगा और उन्हीं महिलाओं की आप में से बहुत सारी फीमेल ऐसी होंगी जब वो गर्मियों में जाती है तो उनका फेस ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है वो कम दिखने लगता है दिस इज वन ऑफ द रीजन उसमें मैम पिगमेंटेशन यानी झाइयों को ठीक करने के लिए ना जैसा आपने बताया अलग अलग प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं चाहे वो कोई ऑयल हो क्रीम हो या लेज़र थेरेपीज हो आग, बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन नेचुरल चीज़ों का भी लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग तो बचपन से करते आ रहे हैं जैसे कोई बेसन का उपटन लगाता है कोई मुल्तानी मिट्टी लगाता है कोई किसी फ्रूट का लेप लगाता है कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अकेले को चेहरे पर लगाओ तो उससे आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है कोई कहता है कि आप घी लगा कोई शहद क्या क्या है है तो क्या ये सारी चीजें लगाने से पिगमेंटेशन ठीक हो सकता देखो मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ का भी बहुत ही ब्रीफली कि होम रेमेडी हमेशा सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है और अगर वहाँ पे सौ लोग हैं तो उसमें से दस लोगों की जो फेस की पिगमेंटेशन है वो रेमेडी से खत्म हो जाएंगे एंड हंड्रेड एंड वन परसेंट खत्म होगी अगर वो ऊपर ऊपर है लेकिन अगर वो डीप है तो यू नीड इंटरनल ट्रीटमेंट फॉर दैट जो प्रॉब्लम अब मानो प्रेगनेंसी में मुझे झाइया हुई तो अंदर से जब तक मेरी वो डेफिशिएंसी कवर नहीं होगी मैं कुछ भी ऊपर से लगाऊं चाहे मैं उपटन लगाऊं चाहे किसी चीज़ का लेप लगाऊं वो कैसे कवर होगा टेम्परेरी तो मुझे रिलीफ मिलेगा कि मेरा चेहरा अच्छा दिखेगा लाइट दिखेंगी लेकिन मुझे तो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ना क्योंकि मुझे तो उस चीज़ के लिए लाइफ टाइम चलना है तो टेम्परेरी वहां पर वर्क करेंगी अगर वो थोड़े टाइम से आपको स्टार्ट हुई हैं लेकिन मानो पंद्रह साल हो गए बीस साल हो गए अब चेहरा तो हमने डैमेज कर ही लिया प्रोडक्ट भी इतने यूज कर लिए क्योंकि जब किसी को प्रॉब्लम होती है ना तो मैक्सिमम टाइम वही चीज़ें सर्च करते हैं कि मुझे तो इसका सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए तो वहां पे क्या होता है जो हमें इंसान कोई भी चीज़ बताता है हम उस चीज़ को लगाना स्टार्ट करते हैं बिना ये जाने के इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा और अगर मैं बात करूं इस टाइम पे केमिस्ट की आप उसके बाद सिर्फ जाके बोलिए मुझे झाई हो गई वो बोलेंगे आप ना दीदी यहाँ पे ना ये इतनी सी दवाई, दवाई लगा के सो जाओ रात को सो जाना सुबह उठ के चेहरा धो लेना लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इतने स्पोर्ट से ज़्यादा बाहर नहीं लगनी चाहिए लेडीज़ लेके जाती हैं उन्हें वो ये नहीं बताते कि कल को ये और बढ़ेंगी उन्हें पता होता है लेकिन होता क्या लेटर ऑन कुछ महीनों बाद वो इतने से इतना इतना और 50% परसेंट फीमेल्स तो ऐसी हैं जिनका इतना सा स्पोर्ट इतना हो गया सिर्फ इसी चीज़ की वजह से वहाँ होम रेमेडी कभी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि स्किन की लेयर जल गई वहां जल पे। गई है तो हाँ, मैं आपने कहा ना कि देखो एक तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको पिगमेंटेशन किस वजह से हुआ है एग्जेक्टली exactly. तो वो उस पर डिसाइड और क्या ट्रीटमेंट आप ले रहे हो तो उसके बेस पे डिसाइड होगा कि कितने टाइम में ठीक होगी एग्जेक्टली exactly. लेकिन जब चीजें अंदर से हो रही है तो अंदर तो सबसे जो मेन है वो हमारा गट है तो क्या अगर हमारा गट अनहेल्दी है और हमें कॉन्स्टिपेशन है तो क्या ये पिगमेंटेशन हो सकता है यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से पिगमेंटेशन हो सकता है, करेगी। लेकिन, आपके disturb है। आपको, आपको मल्टीपल है उसके साथ में आपका गट भी खराब है तो जैसे हम क्या करते हैं ना कचुम्बड़ टर्म यूज करते हैं कि सब चीजों का मिश्रण हो गया लेकिन अब इन चीजों को कैसे ठीक करें तो वहां पे आपको खुद नहीं पता कि आपके शरीर में क्या क्या चीजें कैसे निकलना स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे हम चीज को क्योंकि एट द एंड जो भी चीजें चलेंगी वो हमारे पेट से ही चलेंगे हमारा उधर ही हर चीजों में काम करता है तो वहां पे हम उसको कंसीडर कर सकते हैं सिर्फ एक परसेंट कुछ टाइम हाँ बट हंड्रेड परसेंट सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को हम पिगमेंटेशन से रिलेट नहीं कर सकते लेकिन इनडायरेक्ट लिंक देखा जा सकता है इनडायरेक्ट देखो अब इनडायरेक्ट में चेन समझाऊं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला सात धातु रस रक्त दो की बात करते हैं बाकी तो अभी छोड़ते हैं रस अब कहाँ से बनेगा जो हमने खाना खाया।, खाया।, खाया अब खाना खा लिया पेट में गया वो पचा नहीं खाना सड़ना स्टार्ट हो गया सड़ा इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो गई मोशन नहीं आया नहीं। जब रस ही नहीं बना रक्त कैसे बनेगा रक्त नहीं बनेगा तो रक्त की अल्पता होगी तो वो पिगमेंटेशन करेगा ही करेगा तो है। पेट से ही है। पेट, से, बिल्कुल है। अगर हमारा पेट ही ठीक नहीं है कहीं हाँ। तो कही ना कहीं लिंक करती ही करती है मैम होम रेमेडीज जानने से पहले मैं आपसे डाइट जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए डाइट क्या होता है हर पेशेंट की बॉडी के हिसाब से डाइट अलग अलग होती है बिल्कुल लेकिन एक जनरल वे में

आंवला को हम रसायन बोलते हैं मैक्सिमम उसके रसायन चिकित्सा की जाती है क्योंकि आंवला पंच रस युक्त है उसमें लवण मधुर अमर लवण कटु तिक्त कषाय जो छह रस हैं उसमें पांच रस हैं सिर्फ नमक को हटा के लवण को हटा के तो आंवला को आप किस फॉर्म में यूज करो पिगमेंटेशन में सबसे अच्छा काम करता है लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया लोग ना पैक्ड प्रिजर्व चीजों को स्टार्ट कर दिया आंवला कैंडी मैं कभी नहीं मानती क्योंकि शुगर ही इतनी डाल दिया आपने वो आंवला का गुण क्या रह गया लोग कहते हैं कड़वा लगता है लेकिन आप सोचिए कि आप कभी भी आंवला खाते हैं ना कुछ आप कुछ टाइम में आप देखिए वो मिठास देता है हाँ। तो पिगमेंटेशन का पेशेंट जो भी है डेली एक आंवला का सेवन करना है तीन तरीकों से करें या फ्रेश जूस निकाल ले कद्दूकस करा निचोड़ा जूस निकाल लिया दूसरा वो क्या करे आंवला को पार्शली बॉयल कर ले उसको ले ले या फिर बहुत सिंपल है जैसे कि मैं लेती हूँ जनरली मेरे रूटीन में मतलब बहुत सालों से है कि मैं डेली एक आंवला लेती हूँ तो उसका क्या है मैं आंवला को कट करती हूँ हल्का सा उस पर नमक डालती हूँ उसको दो घंटे के लिए एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ फिर उस बॉक्स को मैं यहाँ ले आती हूँ hmm. और डेली पूरे दिन में इतना इतना आंवला कुछ कुछ टाइम में मैं खाती रहती हूँ तो बहुत सिंपल मुझे प्रिजर्व चीज़ भी नहीं लेनी पड़ी और मेरा फेस पर वो ग्लो भी रहता है hmm. क्योंकि पिगमेंटेशन का फेस जो इनको भी पिगमेंटेशन होती है उनका फेस बहुत डल हो जाता है फेस पे ग्लो आएगा मेलनिन को ब्रेक करने में हेल्प करेगा वो ब्रेक के जाने में हेल्प करेगा सेकेंड चीज़ जो सीजन के अकॉर्डिंग काम करती है क्योंकि विंटर सीजन में जो है ना गाजर सबसे अच्छा काम करती है इसमें गाजर पालक मेथी चलाए लोग नहीं लेते हैं आप इसका जूस लेना स्टार्ट करो बथुए का जूस लो ये बहुत अच्छा काम करता है लेकिन वही है ना कि हम लोग टेस्ट बर्ड को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हम बहुत ज़्यादा एक्टिव देखना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते हैं सेम चीज़ अगर गर्मियों की बात करें कि हमें गर्मियों में ऐसी क्या चीज़ हमारी डाइट में ऐड करनी चाहिए वाटरमेलन उसका रीज़न ये है कि उसमें 95% तो पानी है लेकिन वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स पे डालता है हमारे लिवर को एक्टिव करता है जब वो डिटॉक्स आएगा तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली पुश होगी क्योंकि डेड सेल तो निकल रहे हैं नए सेल बन रहे हैं तो हमारी स्किन को ऑटोमेटिकली हेल्दी करने में हेल्प करता है अच्छा तो मतलब ये मेन चीज है जो हम जनरली ले सकते हैं ले सकते हैं ले है। लेकिन इसके अलावा मैम होम रेमेडीज क्या हो सकती है फे? देखो अगर आप मतलब सिंपल सर्च पे करो ना तो आपको इतनी सारी रेमेडी आएंगी हनी ये सब चीजें लेकिन आज सुना मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं सर्दियों में लगा सकते हैं और दो मतलब दो तरह से मैं बताती हूँ जायफल जायफल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव्ड है आप कहीं भी जाके हमारी संहिताओं में पढ़ना या कई बार बहुत साइंटिस्ट है जो रिसर्च करते हैं आप उसमें पढ़ना कि जायफल को पिगमेंटेशन में कितना अच्छा बताया गया है लेकिन वो सबको सूट नहीं करता है जायफल जो है क्योंकि उसका जो गुण है वो तीक्ष्ण है बर्निंग वो करता है और जायफल को लगाने का सिंपल वे है जैसे पुराने टाइम में क्या होता था एक पत्थर रखते थे आप पत्थर रखिए उसको घिसिए हल्का सा दूध डालिए जैसे मंदिर में जाते हैं चंदन का लेप बनाते हैं है। एग्जैक्टली उसका लेप लेके जितना आपको स्पोर्ट है यहाँ पे है यहाँ पर आप उतने स्पोर्ट पे लगाइए और सिर्फ पंद्रह मिनट के बाद आप वॉश कर दीजिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी लोग हैं जस्ट फोर्टी फाइव डेज आप ट्राई करिए आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको एक ड्रासिक चेंज आपकी स्किन में दिखेगा लेकिन ये वर्क उन लोगों पे करेगा जिनकी स्किन सुपर सेंसिटिव नहीं है अब जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया अब कुछ बचा तो है नहीं हमारे पास ठीक है स्किन हमारी कंप्लीटली डैमेज होगी वहाँ हम क्या रेमेडी कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत सिंपल रेमेडी है जो आपकी स्किन की थिनिंग को रिपेयर करेगी रिवर्स करेगी हील करेगी फिफ्टी एम आप ग्लिसरीन ले लीजिए सिर्फ उसमें टेन एम आप लेमन जूस ऐड कर लीजिए उसका आपने मिक्सचर बनाया डेली रात को सोने से पहले आप अपने फेस पे फाइव टेन मिनट्स मसाज कीजिए और आप सो जाइए सुबह आप चेहरे को पानी से धो लीजिए और आप ये चेंज अपने विद इन मंथ या ट्वेंटी आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं ये इस लेवल पे वर्क करती है रेमेडी तो ये रेमेडी जैसे बहुत से लोग होते हैं ना इंटरनेट पे कहते है, 10 रेमेडी, 20 रेमेडी तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप इनको इनिशियल लेवल ट्राई हाँ मुझे कुछ नहीं करना सिर्फ कॉटन से कच्चा दूध लेकर रात को लगा के सो जाइए हाँ। आपकी स्किन को ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हम ना बहुत बड़ी चीजें देखना चाहते हैं कुछ ऐसी यूनिक सी चीज आ जाए जिसको घुमा फिरा के बोला उसका इफेक्ट वही हो अगर किसी ने सीधे बोल दिया बेटा दूध लगा के सो जाओ चेहरा साफ मिलेगा बेदाग त्वचा तो अच्छा मिलेगी यार क्या बोला दूध ये कौन लगाएगा hmm. लेकिन वही किसी ने बोल दिया पॉस्टराइज मिल्क लेना है उसको बॉइल करना है टू ऑफ दिस और दिस और दिस एंड 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 कीप इट hmm. हमें बड़ा ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी कि नहीं ये तो अच्छा ये इसका फायदा ज्यादा होगा लेकिन एट द एंड मोड ऑफ एक्शन दोनों का सेम है रिजल्ट में भी जो सैंपल था उसका ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर वन लेकिन हम फॉलो वही करेंगे तो जैसे जैसे गोल्डन मिल्क सुनने में तो अच्छा लगता है हाँ। लेकिन अगर हम बोले हल्दी वाला दूध तो बात बात हाँ। वही है हाँ। मैं इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा बहुत से लोग पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए मेकअप करते हैं तो क्या पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए किया जाने वाला वो मेकअप हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है बिल्कुल करता है हंड्रेड एंड वन परसेंट करता है क्योंकि आप देखिए कि आपकी स्किन ऑलरेडी वहां पे डैमेज है ठीक है डैमेज है और वहां पे वो डार्कनिंग इफेक्ट दे रहा है आपकी स्किन पे और वो डेज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और आप स्किन को ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं दे रहे हैं यहाँ मैं इसको रिलेट करूँगी सनस्क्रीन से क्योंकि क्या कहा जाता है कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा दिखने लगेगी क्योंकि वो एक बिजनेस मॉडल बन गया हाँ। जो मुझे लगता है देखो मैं यहाँ पे किसी को गलत या सही प्रूफ नहीं कर रही हूँ आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन कि मैंने आई एम थर्टी वन ना टिल टुडे मैंने सनस्क्रीन कभी खरीदा ही नहीं ना मैंने कभी खरीदा मैं आपको टू बी वेरी इनस्ट हमारा अपना फेस वॉश है जो भी मैं हफ्ते में एक दो बार लगाती हूँ अदरवाइज़ आई प्रेफर कर्ड कि मैं उससे चेहरा दूँ ठीक है या कभी दूध से और हफ्ते में वो भी एक दो बार उसके बाद सिंपल पानी से तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं और मैं ये नहीं कह रही गलत है क्योंकि कि किसी का वर्किंग प्रोफाइल ऐसा है जहाँ उनकी प्रेजेंटेशन वैसी है तो वहाँ पर बहुत सिंपल वे है कि आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट कैसे करो जब आप घर आ जाओ मेकअप रिमूव कर दो सिंपल मलाई ले लो या कर ले लो दो मिनट डेली उस पर मसाज करो अगर आप कर्ड से करो उसमें तीन चार ड्रॉप आप हनी ऐड कर लो बहुत अच्छा वर्क करेगा हीलिंग साथ साथ होती रहेगी क्योंकि हमें पता है कि हम डैमेज कर रहे हैं लेकिन अगर हम हील नहीं करेंगे तो वो डैमेज ही होगा अब बहुत सिंपल एग्जांपल आप मेरे सामने बैठे हो मैं आपको बोलूं कि नहीं सर आप ना पंद्रह मिनट के लिए अपने पूरे फेस को कवर कर दीजिए मैं सिर्फ आपके आईज को कट कर दूंगी आपके नोज़ को कट कर दूंगी और यहाँ से कट कर दूंगी बाकी फेस को आप कवर करके घूमिए मेकअप भी तो एक तरह से शीत है लेकिन बाकी फेस को आपने ब्रीदिंग स्पेस कब दिया ना तो उस पर क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सनलाइट भी तो इम्पोर्टेंट है अब मेकअप कुछ एमएम mm की तो लेयर है ना वो चीज़ें तो वो कवर कर रही है ना रही तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उस चीज को हील कर सकते हो जब आप उसको हीलिंग स्पेस ही नहीं दे रहे हो तो डेफिनेटली सिमिलर वे में सनस्क्रीन एसपीएफ टेन फिफ्टी फिफ्टी और फिफ्टीन लोग मतलब फिफ्टी तक पहुंच गए हैं मेडिकेटेड यूज़ करने को और उनको कहा जाता है कि आपको हर तीन घंटे में अप्लाई करना है उन लोगों की स्किन इतनी डल हो जाती है अलग से वाइट कलर की परत दिखती है वहां पे है। तो आपकी स्किन कहाँ जाएगी जब आप रिमूव करते हो ना तो आपको अपनी स्किन खुद से इतनी डल लगती है कि उस पर ग्लो ही नहीं है वो कैसे आएगा उसमें ये नहीं कि प्रोडक्ट की गलती है वो तो आप ले रहे हो ना जी। लेकिन गलती आपकी की आप स्पेस नहीं दे रहे हैं

और जो दही है वो एकदम से लुब्रिकेंट है जब दोनों गुण मिलेंगे तो वो बैलेंस कर देगा पीएच मेंटेन होगा तो आपकी स्किन को हेल्दी करेगा मिल्क जो है वो सूट करता है जैसे हम है नॉर्मल स्किन है दूध लगाइए काम करेगा किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मिल्क की वो उसमें पानी डाल के डाइल्यूट कर लें उसको अप्लाई करें कभी स्किन ऑयली नहीं रहेगी और उसके आइस क्यूब्स बना के लगा लें वो आपकी ऑयली स्किन को भी हेल्प करेगा उसको रिड्यूस करने में क्योंकि एट द एंड वो क्या है सीबम की फॉर्मेशन है आपकी स्किन में ऑयल एक्सेस अमाउंट में है तो आप सीबम को कंट्रोल कर सकते हो एक तरह का फैट है वो मैम आपने बता तो दिया कि पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा क्या पिगमेंटेशन हंड्रेड परसेंट ठीक हो सकता है बिल्कुल हो सकता है और ये आपको ना बहुत कम सुनने में मिलेगा जब मैंने इस पे रिसर्च स्टार्ट की थी क्योंकि जितनी भी मेडिसिन है मैं खुद से बनाती हूँ मेरी खुद की कॉम्बिनेशन है कॉम्पोजिशन है जब मैंने स्टार्ट किया ना मैंने देखा कि यार लोग ना बहुत ज्यादा परेशान है yeah. और फीमेल्स ऐसी हैं कि उन्होंने पार्टी में जाना छोड़ दिया घर के फंक्शन अटेंड करना छोड़ दिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया वहां पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो आज सक्सेसफुली इवन मैंने उनके लाइव टेस्टिंग होनी है लाइव जर्नी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है जो कि आपको शायद किसी डॉक्टर के पास देखने को नहीं मिलेगी जहां वो आके खुद बताते कि हम एक ब्लैक चेहरे के साथ आए थे और आज हमारा चेहरा देखो विदाउट केमिकल हमारा एक बहुत फेमस ट्रीटमेंट है हिमांशु नवारा ट्रीटमेंट आपने शायद कभी सुना हां है आ, मैं आपकी आपकी वीडियो वीडियो में सुना है <laughs> है जो वीडियो देखी थी तो बेसिकली नवारा क्या केरला में नवरा राइस यूज किए जाते हैं नवारा मेरी खुद की इनोवेशन थी जिसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की जैसे कि मंजिष्ठा है खदिर है सारीवा है उस ये प्लांट्स हैं जो मेलेनिन को ब्रेक करते हैं एक्सट्रैक्ट यूज किए उनकी फॉर्मुलेशन स्टार्ट की नवारा ट्रीटमेंट मैं बहुत कम देती हूँ हम किसी को कम्पेयर नहीं करते हर इंसान का अपना बजट होता है तो मैं कभी ये नहीं बोलती यार नहीं ठीक होंगे इंटरनल मेडिसिन जो आपकी छह लेयर को क्लीन कर रहा है मेरे जितने भी पेशेंट है ना मैं इनको बोलती हूँ बस सब्र रखना है छह महीने से एक साल मैं मांग के चलती हूँ और बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ एक साल बाद आप मुझे बताना और भगवान की दया से अब तक शायद ही अगर वहां पे पाँच हज़ार पेशेंट है तो उसमें से पाँच छः ऐसे पेशेंट है जिन पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट नहीं आया एंड आई एक्सेप्ट माई फेल्यूअर एज वेल मैं उन पर रिसर्च कर रही हूँ बट बाकी जितने भी पेशेंट हैं किसी को छह महीने तीन महीने एक साल जिनकी मैं जर्नी शेयर करती हूँ शायद आपने भी देखी होगी उनकी जर्नी तो उनके बिल्कुल फेस क्लीन हो गए तो मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ बोलती हूँ कि जिनको भी झाइया हैं आप थक गए ना आपने लेजर करवा लिया पीलिंग करवा लिया नीडलिंग करवा लिया पीआरपी करवा लिया मतलब सब कुछ करवा लिया अब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे झाइया ठीक करनी है और आपकी उम्र कोई भी हो आपकी शायद प्रेगनेंसी बीस साल पहले हुई थी आपको बीस साल पहले झाइया हुई आप एक बार मेरे पास आना मेरे पास आने से पहले भी आप उन पेशेंट के जर्नी सुनना शायद आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे उन पेशेंट से तो कहीं ना कहीं ना उनको तो लगेगा डॉक्टर तो अपनी तारीफ कर रहे हैं हाँ। क्योंकि हर इंसान को ये चीज़ लगती है कि हर डॉक्टर बोलता है मेरा ट्रीटमेंट बेस्ट है लेकिन मैं क्या कहती हूँ मैं बेस्ट नहीं हूँ मेरा ट्रीटमेंट भी बेस्ट नहीं आप एक बार उनको देखो सुनो समझो जब आपको लगे ना कि नहीं अब हमें भरोसा हो गया उस टाइम आप मेरे पास आओ और हमारी ऑनलाइन भी कंसल्टेशन है और ऑफलाइन तो है ही है तो डॉक्टर के पास आने से पहले आप पेशेंट से पूछ सकते हैं फीडबैक ले सकते हैं कि भाई कितने जेनुइन डॉक्टर है और कितना जेनुइन वो ट्रीटमेंट है लेकिन मैम एक क्वेश्चन करना चाहूंगा क्योंकि क्या है ना देखिये तारीफ तो हर डॉक्टर अपनी करता है ये फैक्ट है ये फैक्ट क्योंकि अपनी बुराई करना सबसे मुश्किल काम है लेकिन आपने कहा कि आपके पेशेंट ठीक हुए ठीक है पांच हजार में से पांच छह पेशेंट ऐसे होंगे जो शायद उनको उतना रिजल्ट नहीं, नहीं मिला आया। लेकिन आपके इन पूरे मेडिकल करियर में पिगमेंटेशन का ऐसा कौन सा केस है जिसे ठीक करने के बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने सच में कुछ किया है मेरे एक पेशेंट है वो मेरठ से आते हैं जी। उनके बच्चे फॉरन में सेटल हैं उनका क्या था कि एक सिर्फ इतना सा स्पोर्ट था मतलब ऐसे मेरे तीन चार केसेस हैं तो डरमैट के पास गए उन्होंने उसको जाते ही बोला कि पीलिंग करा दो फिर वो दो महीने बाद इतना हुआ और जब वो मेरे पास आए तो तो यकीन मानिए अगर मैं दिखा पाती जो ये टेबल का कलर है ये कलर था और उनके फेस में इतना सा भी एरिया नहीं दिखता था मेरे पास पिक्चर होंगी तो मैं आपको पिक्चर्स दूंगी डेफिनेटली आप कनेक्ट करना वहां और जब मैंने उनका ट्रीटमेंट दिया दस महीने बाद आज उनके फेस पे सिर्फ ये दो पोट रह गए बाकी उनके नॉर्मल स्किन आ गई है तो जब मैं उनके केस को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैंने कुछ कर दिया और ऐसे बहुत सारे केसेस जो बिल्कुल जेट कलर के साथ आते और उसमें तो मतलब उस ना मेरी जिद भी थी कि मुझे करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए तो ये एक केस ऐसा है ऐसे बहुत सारे केसेस है बट ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो है थैंक यू सो मच मैम आपका धन्यवाद कि आपने हमें मतलब झाइयों के सॉल्यूशन बताएं और रीजन भी बताया तो मुझे लगता है कि आपके इस इन्फॉर्मेशन से लोगों को काफी हेल्प मिलेंगी घर पर ही अपनी झाइयों को ठीक करने के लिए क्योंकि क्या है ना बहुत लोग परेशान हैं और अच्छा दिखना तो हर कोई चाहता है लेकिन सॉल्यूशन ना मिलने की वजह से ये चीज उनको कई बार परेशान भी कर देती है तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताई गई होम रेमेडीज आप ट्राई भी करेंगे और उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी आराम भी मिलेगा लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से जुड़े हुए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मैं कोशिश करूंगा मैम के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आपकी बीमारियों का ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि आप आयुर्वेद के बारे में जान भी सके और आपको एक जेनविन ट्रीटमेंट भी पहुंच सके जो आपको इलनेस से वेलनेस की तरफ ले जाए और मैम ने जो भी चीजें बताई हैं ये इनके अपने एक्सपीरियंस है जो उन्होंने अपने पेशेंट पर भी इम्प्लीमेंट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आने के बाद ही आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो आप मैम के YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं कि लोगों को कितना सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ आने के बाद और अगर आप मैम से कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो मैम की कांटेक्ट डिटेल्स और आपको एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा जहाँ से आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद थैंक यू मैम